जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष आनंद गुप्ता की अध्यक्षता में 6 सूत्री मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांग रखी। हाँ नमस्कार साथियों, मेरा नाम आनंद गुप्ता है और आज जो है जनता दल यू अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था हम लोगों का, जो कि हम लोग डीएम के द्वारा हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए हैं। 6 सूत्री जो हम लोग का मांग है, उसमें पहला मांग ये था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो घटनाएं घट रही हैं, हत्या बलात्कार अपहरण की घटनाएं जो लगातार इतनी ज्यादा हो गई हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, उस विषय में एक हम लोग ये मांग किए कि इन घटनाओं को रोका जाए और नेता जनता यूनाइटेड इसके लिए आंदोलन करेगी। दूसरी मांग थी कि 3 महीने का बिजली का बिल पूर्णतया माफ किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है आम जनता और सारे लोग कहीं से भी किसी का इनकम नहीं हो पा रहा है और लॉकडाउन की प्रक्रिया लगातार भी चल रही है। एक तो बिजली का बिल यहाँ बहुत ज़्यादा है, 10 रुपये पर यूनिट है यहाँ का बिल, और ऊपर से लॉकडाउन, इस कारण जनता दल यूनाइटेड ये मांग करती है कि आप 3 महीने का बिजली का बिल पूर्णतया जनता को माफ करिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तीसरा हम लोग का मांग है कि बच्चों का फीस, 3 महीने का बच्चों का फीस भी हम लोग कह रहे हैं कि आप बच्चों का फीस 3 महीने का जो लगातार विद्यालय दबाव बना रहे हैं उनका बच्चों का फीस माफ किया जाए। चौथा हम लोग का था कि किसानों की उपज को उसके दाम के हिसाब से पैसा मिल सके, उसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है जो ठंडे बस्ते में कब से पड़ी हुई है उसको लागू किया जाए। चौथा हम लोग का था कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करना, या तो परमानेंट किया जाए या तो उनको कम से कम जो एक मिनिमम वेज है मिनिमम वेज के बराबर उनको पैसा दिया जाए। आउटसोर्सिंग के खिलाफ हम लोग, हमारी पार्टी आउटसोर्सिंग के टोटल खिलाफ है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।